हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है अमेज़न के ऊपर। अमेज़न पर यदि आप कोई प्रोडक्ट या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर आपको कैश ऑन डिलीवरी प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट ऑर्डर को कैश पैसे देकर नहीं खरीद पाते। तो आज की वीडियो पर कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप जो है कैश ऑन डिलीवरी किस तरीके से ऑन कर सकते हैं और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट खास है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। उससे पहले एक छोटा सा काम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप लोग चैनल पर नए हो या चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ताकि ऐसा ही कॉन्टेंट आपको रोजाना देखने को मिलता रहे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ से मैंने अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब सिंपल से मान लीजिए हम इस वॉच को खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं। तो ये वॉच जब हम लेते हैं तो सबसे पहली गलती क्या करते हो आप लोग, सेलर से कॉन्टैक्ट नहीं करते। सेलर यानी कि वो होता है जो इस प्रोडक्ट को या इस वॉच को जो सेल कर रहा है, जो अमेज़न पर बेच रहा है, तो उसका नाम रहता है सेलर। तो सिंपल से पहले आपको अपने सेलर से कॉन्टैक्ट करना है। ये देखिए सोल्डो बाय लिखा है, ये आपके सेलर का नाम दिया गया है या कंपनी का नाम दिया है या दुकान का नाम दिया है, ये बात एक ही है। तो इससे कॉन्टैक्ट करते यदि आप लोग से नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई रखी है और हर वीडियो में बताता हूँ कि यदि आप लोग कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यदि किसी ऐप से भी शॉपिंग करते हो तो सबसे पहले आपको उससे सेलर से कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको सेलर से कॉन्टैक्ट कर लेना है, आपको जिस प्रोडक्ट पर कैश ऑन डिलीवरी प्रॉब्लम हो देखने को मिल रही है उससे रिक्वेस्ट कर देना है। और आपके पिन कोड पे यदि वो प्रोडक्ट जो है अलाइवल नहीं है तो कुछ रिक्वेस्ट करने से आपका जो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपल से जब भी आप ऑर्डर ना करते हो, बाय नो करते हो, तो इस तरीके से करते हो तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। एक नया इंटरफेस आ जाता है तो आपके सामने देखिए एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस वाला एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करते हो तो आपको यहाँ एड्रेस शो होता होगा। तो यहाँ पर देखिए आपने यदि कुछ चीज़ें गलत भरी हुई अपने यहाँ चेक कर सकते हैं। और एक तरीका आपका मैं यहाँ से और बताता हूँ, आपका यदि कोई फैमिली मेम्बर या कोई आपका दोस्त आपके पिन कोड से दूसरे पिन कोड पर यदि रहता है तो आप लोग उसके पिन कोड पे अपने प्रोडक्ट को जो है परचेस कर सकते हैं। ये भी आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा कुछ अर्जेंट है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको कहाँ से डालना है तो देखिए आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड के पीछे आपका सही सही एड्रेस जो लिखा रहता है आपको वो एड्रेस यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप लोग अपना एड्रेस सही सही फिल कर लेते हो ना, तो उसके बाद जो है आपका सही एड्रेस और सही पिन कोड यदि होता है तो आपके में कोई प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने यदि सेलर से भी कॉन्टैक्ट कर लिया है और रेंट कर लेते हो तो आपको जो है कैश ऑन डिलीवरी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि फर्स्ट पर अमेज़न कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हो, वहाँ से आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को 100% वहाँ से भी सॉल्व किया जाएगा। तो मैं आपको यही समझाने वाला था कि देखिए अमेज़न पर कोई ऐसी बटन नहीं रहती या ऐसा कोई ट्रिक नहीं रहता कि आप उसे क्लिक करके और जो है अपना कैश ऑन डिलीवरी ऑन करा सके। उसके लिए थोड़ी सी आपको यहाँ तरीके आजमाने पड़ते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद आपकी जो है कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दिया जाता है। तो आई होप जो मैंने इस वीडियो पर आपको बताया समझाया आपको समझ पर आ गया होगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्प मिली हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ही ऑनलाइन शॉपिंग का कंटेंट आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।